नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जंगली सुअर एवं जंगली बिल्ली के शिकारियों को वन विभाग की टीम ने मौके से गिरफ्तार किया। बिरसिंहपुर पाली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बरनौदा बीट के ग्राम सरवाही कला में जंगली सुअर और जंगली बिल्ली का शिकार करंट लगाकर किया गया था, जहां मुखबिर की सूचना पर पाली वन विभाग को सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया एवं सूचना के आधार पर सरवाही कला गांव के रहने वाले नारायण सिंह, सतराम सिंह, सुखसेन सिंह एवं शंकर सिंह को शिकार मामले में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए व्यक्तियों के द्वारा 11 केवी विद्युत लाइन में तार का कटिया फंसाकर जंगली बिल्ली एवं जंगली जानवरों का शिकार किया गया है एवं पकड़े गए आरोपियों के पास से जंगली सुअर के बाल एवं हड्डी सहित जंगली बिल्ली का शव पाया गया एवं शिकार करने के दौरान उपयोग लिए गए जीआई तार, कुल्हाड़ी, बछला एवं खूंटी को जब्त किया गया है, जहां चारों आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर सभी को न्यायालय प्रस्तुत करते हुए जिला जेल भेज दिया गया है। वहीं वन मंडलाधिकारी आर.एन. द्विवेदी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमारी वन विभाग टीम ने शिकारी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है एवं वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों शिकारी बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। इनके द्वारा करंट लगाकर जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है एवं शिकारियों द्वारा बिछाए गए करंट के जाल में फंसकर जंगली जानवरों सहित कई इंसानों की भी मौत हो चुकी है। पीसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। पाली से लेके पूरे तालाब बांधवगढ़ नेशनल पार्क के एरिया से होती हुई जितनी विद्युत लाइन गुजरती है, इस लाइन के एरिया में पूरे जंगल एरिया में जहाँ जहाँ से विद्युत लाइन गुजरती है वहाँ पर आए दिन शिकार की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी मैंने उस तार करंट का शिकार बांधवगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी बाघ भी हो चुका है और बाघ हो रहे हैं, इस तरह से कि राष्ट्रीय पशुओं को भी हानि हो रही है सब तथा जनधन की भी हानि हो रही है। साथ ही साथ इस तरह की तारों के लिए स्थायी व्यवस्था जब तक नहीं की जाएगी तब तक शिकारियों के लिए खुला कब्रगाह जानवरों के लिए बना रहेगा, क्योंकि शिकारी इतना बड़ा लंबा परिक्षेत्र है, कहीं पर भी वो इस तरह की व्यवस्था आपराधिक व्यवस्था कर लेते हैं ताकि करंट लगाकर उस जानवरों का हत्या कर रहे हैं। फिलहाल जो अभी करंट लगाने के अपराधी पकड़े गए हैं उनसे तरीके से पूछताछ की जाए, अच्छे से जाँच की जाए, बल्कि हाई स्तर पर जांच कराई जाए ताकि उनके पीछे संलिप्त बड़े गिरोहों का पता चल सके। साथ ही साथ शासन से अपेक्षा ये है कि पाली से लेकर पूरे नेशनल पार्क तक जितने जंगल एरिया से विद्युत लाइन गुजरती है हाई केवी की, वो सारी केवी लाइन को आइसोलेटेड करके और इस तरह के इंसुलेटेड किया जाए उसको, और या कि जमीन के नीचे से अथवा इस तरह कोई व्यवस्था की जाए ताकि विद्युत का क्षरण भी न हो और किसी तरह की विद्युत चोरी न हो सके और जिससे कि जनधन की हानि रुक सके। बांधवगढ़ वन परिक्षेत्र पाली वन परिक्षेत्र के अंदर में लगातार दो जानवरों की मौत हो चुकी है, लगातार दो इंसान की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बालक है, एक वृद्ध है, और इनकी घटना केवल ये शिकारियों के शिकार के लिए फंसाए गए शिकंजों के द्वारा बार बार होती जा रही है, जिसमें वन परिक्षेत्र पाली ने दो शिकारियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुछ सामान पाया है, कुछ उनके द्वारा सुराग पाई जा रही है, लेकिन इनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। इनसे जुड़े और इस तरह के लोग कहाँ हैं किस क्षेत्र में, जो जानवरों को आदमियों को ऐसी क्षति पहुंचा रहे हैं, लगातार वन विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी इसमें परेशान हो रहे हैं और ये हमारे जिले में बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है। इतनी निगरानी के बाद में तो वन विभाग अमला थोड़ा और सख्त होकर के अपराधियों तक पहुँचे और हर क्षेत्र के अपराधियों को छोटे बड़े जो इस तरह की हरकतें करते हैं इनको ढूंढ करके एक एक करके एकत्रित करें और इनसे कड़ी पूछताछ की जाए, जिससे कि हमारे जिले के ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों की जानकारी भी मिले और पुनः हमारे जिले में ऐसे अपराध ना हो। तब थोड़ी थोड़ी सी चूक इस तरह के वारदात को अंजाम दे, ये अक्षम्य है। अधिकारी हैं वो सुरक्षा के साइंटिफिक तरीके डेवलप करें और अपनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करें। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर के शिकार किया जा रहा है, उसमें वन्य प्राणी तो जा ही रहे हैं, उसमें ह्यूमन लॉस भी हो रहा है, आदमी मनुष्य भी जो किसान हैं उसकी चपेट में आ रहे हैं। अभी ऐसी दो तीन घटनाएं हो चुकी जिसमें वन्य प्राणियों को शिकार के लिए जो करंट बिछाया गया था उसमें आदमी फंस करके काल मौत के शिकार हो गए। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, इसको बहुत ही प्रायोरिटी में लेना चाहिए और इस पर
जांच करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए और इसको हमेशा के लिए रोकना चाहिए। जो मसला सामने आया है उसमें पाली में अभी दो लोग पकड़े गए हैं, शहडोल के दक्षिण वन मंडल में भी शिकारी पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं शुरू से इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ कि शिकार का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो अपने आप में अधूरा रहता है, क्योंकि शिकार अपने आप में वहीं तक नहीं है कि शिकारी तक केंद्रित है। शिकारी शिकार करता है, फिर वो किसी को बेचता है, फिर वो किसी के जरिए कहीं तक जाता है, माने पूरे अंतर्राष्ट्रीय चयन है वन्य प्राणियों के, चाहे हड्डी की बात हो, खाल की बात हो, जिस चीज की भी बात हो, तो वो उसकी पूरी इंटरनेशनल लिंकिंग है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई हो और कड़ी से कड़ी जुड़ती और आखिरी जो मेन वो है, कल्पीट है, जो इसको कराता है, जो इसको जिसके लिंक हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ, वहां तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्यों नहीं पहुंचती। यही वजह है कि शिकार का मामला सामने आता है, वो लोकल कोई शिकारी, कोई आदिवासी या कोई पकड़ लिया जाता है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है, जबकि कभी ऐसा नहीं होता है। कहूंगा कि वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और सारे जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं नीचे से ऊपर तक के, उनको सबको बेनकाब करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मानपुर और पाली तहसील में जो वन ग्राम है या जंगल है, वहाँ पे आए दिन देखने को मिलता है कि अवैध शिकार हो रहे हैं, जानवर मारे जा रहे हैं, मगर जो यहाँ का प्रबंधन है, पार्क प्रबंधन, वो नाकाम रहा कि लोगों को किसी प्रकार से पकड़ सके। वो जैसे ही इस प्रकार की घटना घटती है, आनंद फानन में उस जो वाइल्ड एनिमल है उसका शव को पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार करके अपने कामों से मुक्ति पा जाते हैं। वहीं कई मामलों में ये भी देखा गया कि पत्रकारों को भी वो वहाँ पे जाने से रोकते हैं। यहाँ पे उमरिया क्षेत्र के आस में जो बांधवगढ़ है वहाँ पे भी, या पाली में तो बहुत आए देखने को मिलता है। आज मामला एक प्रकाश में आया है कि पाली वन क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसके पास से वन प्राणियों के बहुत सारे खाल, नाखून और ये सब मिले हैं। यदि ये व्यक्ति पाया गया है तो निश्चित रूप से वन विभाग के लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि उसको रिमांड में रख के उससे ज़्यादा पूछताछ करें। जो बड़े अपराधी हैं या बड़े अपराधी बाहर के हैं, अंतर्राज्यीय हैं, उनको उनके ऊपर कड़ाई करें, उनको पकड़े, या जो जो भी सपोर्ट पुलिस अपराधी हैं इस ज़िले के, उनके तक उससे उसी अपराधी के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें। और चूँकि बांधवगढ़ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात प्राप्त है, लोग यहाँ पर आते हैं, सैलानी आते हैं, देशी विदेशी आते हैं, मगर इस प्रकार से घटना घटती रही तो निश्चित रूप से इस जंगल से वन प्राणी समाप्त हो जाएंगे। और शेर पाया जाता है वो विश्व में विरले स्थानों में पाया जाता है, ये इस या उमरिया बांधवगढ़ स्थल की शान है। तो शेरों पे जिस प्रकार से उनकी मौत हो रही है, शिकार हो रहा है, उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए वन विभाग को आना चाहिए और जो वन विभाग की वाइल्ड लाइफ टास्क फोर्स है वो भी काम करे, अपराधियों को पकड़े और उनको सलाखों के पीछे भेजे, और जो पाली में अपराधी पकड़ा गया है उससे सख्ती से पूछताछ किया जाए, और जो लोग इस अपराध में शामिल है उनको भी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। वन प्रक्षेत्र पाली में 9 तारीख को शिकार हुआ है एक साथ में, जो कि करंट लगा करके शिकार किए हैं और उसके सभी अवयव जब्त कर लिए गए हैं और अपराधियों को भी गिरफ्तार करके उनको चालान कर दिया गया है। और वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके चालान किया गया है। वन प्रक्षेत्र पाली के बरवसपुरा की है और पूरा की है, और जनता से अपील की गई है कि माने अगर वन प्राणियों की इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल जो हमारे सरकारी मोबाइल नंबर है उन पर तत्काल सूचना दें जिससे तुरंत कार्रवाई की जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके और माफियाओं को भी इसके जाल में फंसा करके उनका माने आवश्यक कार्रवाई की जा सके।